सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो भाई लोग, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि मैं बाहर एक जगह पे नौकरी करता हूँ, और कल मेरा नाइट शिफ्ट था, और नाइट शिफ्ट करके आज मॉर्निंग शिफ्ट है, और अभी भी मैं ड्यूटी पे ही हूँ। इस रीजन से भाई लोग बाहर ही मुझे शूट करना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा। तो भाई लोग, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि फ्री फायर में अभी एक न्यू इवेंट आ चुका है, जहाँ पे भाई लोग ओपी लेवल का बंडल और एक ओपी लेवल का पिट और उसके साथ काफी सारे आइटम भी उस इवेंट के माध्यम से दिया जा रहा है। तो यदि आप लोग उस इवेंट के माध्यम से डायमंड से स्पिन करके बंडल वगैरह निकालने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि भाई लोग इस वीडियो के माध्यम से हम डायमंड से स्पिन करेंगे और देखेंगे कि कितना डायमंड खर्च होता है यदि आप लोग उस इवेंट को फुल कम्प्लीट करना चाहेंगे। तो चलिए फटाफट से स्पिन करते हैं और देखते हैं कि कितना डायमंड खर्च होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना फ्री फेयर आईडी को ओपन कर लिया है, तो चलिए उस इवेंट को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा ये इवेंट, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे ओपी लेवल का बंडल दिया गया है, काफ़ी सारे नहीं, दो ओपी लेवल का बंडल और उसके साथ एक बॉडी का स्किन। और ये वाला जो जैकेट है ना, वो एकदम झकास लेवल का है भाई लोग, आप सब देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये वाला बैकपैक, और ये वाला जो पिट है ये बिल्कुल न्यू है, जैसे कि आप सबको पता होगा, जो कि एकदम झकास लेवल का है। और इसके साथ साथ ये वाला पिट का स्किन भी दिया जा रहा है, जैसे कि आप सबको पता होगा इससे पहले ये वाला पिट दिया गया था, लेकिन ये जो स्किन है ये बिल्कुल न्यू है। और इसके साथ काफ़ी सारे आइटम भी इसके अंदर दिया गया है। और ये वाला ये जो टोकन है ना, तो टोकन से भी आप लोग इस बंडल को यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि भाई लोग, इस बंडल को लेने के लिए 50 टोकन चाहिए, ये वाला बंडल के लिए भी 50 टोकन चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे आइटम जो इस इवेंट के अंदर दिया गया है, उसे आप लोग इस टोकन के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो चलिए भले फटाफट से स्पिन करते हैं। तो स्पिन करने से पहले सबसे पहले मैं अपने आईडी पे डायमंड ऐड कर लेता हूँ। और वॉइस क्वालिटी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई लोग आप सबको पता होगा कि मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, और ड्यूटी पे रहते हुए भी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने आईडी पे डायमंड ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे कार्ड पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर दूंगा। तो ये देखिए मेरे आईडी पे डायमंड ऐड हो चुका है। तो अभी मेरे आईडी पे है 2455 डायमंड। तो चलिए इस डायमंड से सबसे पहले स्पिन करते हैं और देख लेते हैं कि कितना डायमंड के अंदर मुझे यहाँ पे बंडल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्पिन कर लिया है 40 डायमंड वाला। तो 5 स्पिन यहाँ पे हम कर लेते हैं 40 डायमंड वाला, उसके बाद 400 वाला करेंगे। तो चलिए भाई लोग देखते हैं कि 40 डायमंड वाला स्पिन में मुझे यहाँ पे बंडल वगैरह मिल पाता है या नहीं। अरे यार, टोकन ही दे रहा है। तो चलिए भाई लोग, अभी यहाँ पे 400 वाला स्पिन करते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है 400 डायमंड वाला स्पिन। तो 11 स्पिन मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। अरे यार, इस वाले स्पिन में मुझे यहाँ पे बंडल वगैरह नहीं मिला। तो चलिए इस बार 40 डायमंड वाला एक स्पिन करके देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अरे यार, फीमेल का कैप मिला है यार। तो चलिए भाई लोग, अभी इस बार यहाँ पे 400 डायमंड वाला स्पिन करने वाला है। तो फिर से मैंने यहाँ पे कर लिया है 400 डायमंड वाला स्पिन। तो चलिए भाई लोग देख लेते हैं। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुका है पीट का स्किन। यार कमाल हो गया भाई लोग। तो ये वाला पीट का स्किन ओपी लेवल का है भाई साहब, आप सबको पता होगा। तो ओपी लेवल का जो पीट है ये फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो फिर से मैंने यहाँ पे कर लिया है 40 डायमंड वाला स्पिन। तो इस बार के स्पिन में मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो चलिए भाई लोग, फिर से करते हैं 400 डायमंड वाला स्पिन। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है। अरे यार, इस बार तो नहीं मिला। तो चलिए फिर से करते हैं, इस बार तो मिलना ही चाहिए यार बंडल। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया है। यार है यार, पीट का स्किन। मैंने सोचा बंडल मिल गया यार, तो कोई बात नहीं, ये वाला पीट का स्किन ओपी लेवल का है, जो कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो 40 डायमंड वाला फिर से मैंने यहाँ पे और एक स्पिन कर लिया है। तो इस बार के स्पिन में मुझे यहाँ पे गन का स्किन मिला है। तो चलिए इस बार देखते हैं 400 डायमंड वाला स्पिन क्या है इस बार। अरे यार, क्या मिलने वाला है। अरे यार, ओपी, तो ओपी लेवल का है जो बॉडी का स्किन है ना। तो फाइनली भाई लोग, ये मुझे मिल चुका है, लेकिन बंडल नहीं निकलता। तो इस बार क्या मिला यार फिर से। अरे यार, ये क्या हो गया, स्कैम हो गया यार मेरे साथ। ये तो फीमेल का जो कैप है वो फिर से मिल गया दो बार। यार ऐसा क्यों होता है। अरे गरीना दीदी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चलिए भाई लोग, सारे डायमंड यहाँ पे ख़त्म करके देख लेते हैं क्या होता है। तो भाई लोग, आप सब देख सकते हैं कि मेरे आईडी पे सारे डायमंड खर्च हो चुके हैं, लेकिन भाई लोग बंडल मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो भाई लोग, टोकन जो है ना वो भी यहाँ पे, यार और एक ही टोकन चाहिए था ये वाला बंडल को लेने के लिए। भाई लोग, जैसे कि आप सब देख सकते हैं 49 टोकन है मेरे पास, और एक ही टोकन चाहिए था यार, वो भी मुझे यहाँ पे नहीं मिला।
तो चलिए भले फिर से टॉप अप डायमंड कर लेते हैं, मतलब डायमंड ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर से स्पिन करते हैं। तो चलिए इसके लिए फिर से हम यहाँ पे कार्ड पासवर्ड डाल देते हैं। तो कार्ड पासवर्ड डाल के जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ तो फाइनली मेरे आईडी पे अभी हो चुका है 1200 डायमंड। इसका मतलब दोस्तों 400 डायमंड वाला 3 स्पिन में कर सकता हूँ। तो चलिए भाई लोग, मैंने यहाँ पे कर लिया है 400 डायमंड वाला स्पिन। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या निकलता है। तो भाई लोग ये क्या निकल गया, अरे यार ये क्या हो गया, फिर से वो वाला पीट मिला है यार, ऐसा क्यों होता है यार, दो बार एक ही चीज़ मिल रहा है, बेकार में डायमंड खर्च हो रहा है यार। तो भाई लोग आप लोग समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, एक चीज़ दो दो बार मिल सकता है। तो इस बार क्या मिला, अरे यार ओपी लेवल का जैकेट मिल गया है यार, खतरनाक था यार ये वाला जैकेट, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया ये वाला जैकेट, काफ़ी ज़्यादा रेयर है ये वाला जैकेट। तो चलिए फिर से करते हैं 400 डायमंड वाला स्पिन। तो इस बार क्या निकलते हैं देख लेते हैं। अरे यार क्या निकला, अरे ये देखिए भाई लोग, तो भाई साहब ये क्या हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ मिल रहा है यार, ऐसा क्यों होता है, जो चीज़ मिल गया वो बार बार निकल जा रहा है, बेकार में डायमंड खर्च हो गया यार। तो कोई बात नहीं भाई लोग, मेरे आईडी पे भी हो चुका है 76 डायमंड। तो अभी मुझे बंडल लेना है, तो इस वाले बंडल को लूँ या फिर इस वाले बंडल को लूँ, दोनों ही बंडल ओपी लेवल का है यार। तो पहले वाला बंडल मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, तो चलिए इस वाले बंडल को ही ले लेते हैं, इसके लिए मुझे 50 टोकन लगेगा। तो चलिए यहाँ पे एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे प्रेस करके ले लेते हैं। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुका है ओपी वाला बंडल। तो भाई लोग इस वाले इवेंट पे ये वाला जो बंडल है ना, ये सबसे रेयर बंडल है, जो कि फाइनली मैंने यहाँ पे ले लिया है 50 टोकन दे करके। तो अभी भी मेरे आईडी पे 26 टोकन है। तो चलिए इस वाले बैकपैक को भी ले लेते हैं, जिसके लिए 15 टोकन लगेगा। तो चलिए एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे प्रेस करके इसे भी ले लेते हैं। तो भाई लोग माफ़ करिएगा, मैंने आप लोगों को गलती से एक बात बोल दिया कि ये वाला जो पीट है ये मिला है। तो भाई लोग ये वाला पीट नहीं मिला है, इस वाले पीट का जो स्किन है वो मिला है। जैसे कि भाई लोग आप सब देख सकते हैं, ये वाला पीट का स्किन जो है वो इस इवेंट के माध्यम से मिला है। लेकिन इस पीट को यदि मैं यहाँ पर खरीदना चाहूँगा तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 699 डायमंड से खरीदना होगा। तो भाई लोग इस वाले गलती के लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सब समझ सकते हैं कि मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, और ड्यूटी पे रहते हुए भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा गलती हो चुका है। तो भाई लोग आप सबका सुजन भाई को इस वाले गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इसी बात पर इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है भाई लोग। तो भाई लोग जैसे कि आप सबने ये देखा कि मैंने 3500 से भी ज़्यादा डायमंड खर्च किया, जिससे मुझे एक भी बंडल नहीं मिला, बंडल जो था वो मुझे टोकन से लेना पड़ा। तो आप लोग सोच समझ के इस इवेंट पे डायमंड वगैरह खर्च करिएगा। इसके अलावा भाई लोग जो बंडल है ना वो ओपी लेवल का है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। तो आज के इस वीडियो पे बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और के मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पर प्रेस करके साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि भाई लोग जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।